नमस्ते दोस्तों, मैं भुवन भंडारी इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं दो बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक से 90% सफल ट्रेड कैसे करते हैं ये बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि इनका बॉडी ऐसा होता है और टेल ऐसा होता है और ये बनने के बाद हमें सेल करना है, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि किन किन कंडीशन पर ये कैंडलस्टिक बनने पर हमें सेल करना है और किन किन कंडीशन पर हमें इन्हें इग्नोर करना है। मैं आपको फिल्टर करना सिखाऊंगा। वैसे तो ये कैंडलस्टिक 60-65% ही काम करते हैं, और मैं जब आपको फिल्टर करना सिखाऊंगा तब ये कैंडलस्टिक 90% से ज्यादा काम करेंगे। इसे बेयर स्पिन बार भी कहते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में 90% से ज्यादा ट्रेडर्स इसी कैंडलस्टिक पर ट्रेड करते हैं और वो प्रॉफिट पे रहते हैं। वो लोग सिर्फ ये कैंडलस्टिक बनते ही ट्रेड नहीं करते हैं, ये कैंडलस्टिक बनने के बाद इस पर एनालिसिस करते हैं, तीन चार कन्फर्मेशन और लेते हैं, देखते हैं ये रेजिस्टेंस जोन है कि नहीं, इसने रेजिस्टेंस जोन पर इसे रिजेक्ट किया कि नहीं, और इसे मेजर करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। ये कैंडल यहीं से नीचे जाना है या और भी ऊपर जाएगा मार्केट, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मेजर करते हैं, और ओवरसोल्ड जोन भी देखते हैं ये ओवरसोल्ड जोन पर है कि नहीं, और एक दो एनालिसिस करते हैं। जब चार पांच कंफर्मेशन मिलता है तब इस पर वो ट्रेड करते हैं और 90% से ज्यादा मार्केट उनके फेवर पर जाता है। और मैं आपको आज यही ट्रिक सिखाऊंगा कि किन कंडीशन पर हमें ये कैंडल बनने के बाद ट्रेड करना है और किन कंडीशन पर इन कैंडल्स को इग्नोर करना है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आप भी इन कैंडल्स के ट्रेड में 90% से ज्यादा सफल रहेंगे। यानी अगर आपने 10 ट्रेड किया तो 9 ट्रेड आपके फेवर पर जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। ये शूटिंग स्टार है, ये मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये बहुत ऊपर तक गया और उसके बाद इसने यहां पर रेजिस्टेंस मिला और ये नीचे गिरते 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 नीचे आया जहां पर ये ओपन हुआ था, और उससे भी नीचे आया। नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाकर यहां पर क्लोज हुआ, यानी अपने ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ। इस कैंडल को शूटिंग स्टार इसलिए कहते हैं कि ये कैंडल्स देखने में एग्जैक्ट गिरता हुआ तारा की तरह है। जब हम रात को आसमान में टूटता हुआ तारा देखते हैं तो वो एग्जैक्ट ऐसा होता है, इसलिए ये टूटते हुए तारे के नाम पर ये शूटिंग स्टार इसका नाम रखा है। और ये हैंगिंग मैन, ये लटका हुआ आदमी, जब फांसी पर आदमी लटकता है तो सेम ऐसा दिखता है, ये आदमी का हेड हो गया और ये उसका बॉडी हो गया। और ये दोनों ऑप ट्रेंड के टॉप पर बनते हैं, हमेशा ये दोनों कैंडल्स ऑप ट्रेंड के टॉप पर बनते हैं जहां से मार्केट नीचे की ओर जाता है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर हम्मर और इन्वर्टेड हम्मर के बारे में बताया था, वो दोनों डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनते थे, और ये शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन ऑप ट्रेंड के टॉप पर बनते हैं। आप अगर नए हैं तो आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं, तारे जमीन पर तो कभी दिखते नहीं, हमेशा आसमान पर दिखते हैं, ऊपर दिखते हैं, इसीलिए ये ऑप ट्रेंड के टॉप पर ऊपर बनते हैं। और ये हैंगिंग मैन है, आदमी जब लटकता है तो नीचे तो लटकता नहीं है, ऊपर लटकता है, इसलिए ये ऊपर हमेशा ऑप ट्रेंड के टॉप पर बनते हैं, और काम दोनों एक ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं और कैसे कैसे होते हैं शूटिंग स्टार। ये देखिए, एक तो ऐसा होता है, इसने नीचे शेडो नहीं बनाया और ये ऊपर क्लोज हुआ अपने ओपनिंग प्राइस से, पॉजिटिव में क्लोज हुआ। और दूसरा है, दूसरा ने भी शेडो नहीं बनाया लेकिन ये अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हुआ। तीसरा है, तीसरा ने शेडो बनाया थोड़ा, और चौथे ने भी शेडो बनाया। आप इसमें से कोई भी कैंडल बने, काम एक ही करते हैं, लेकिन हमें उसे फिल्टर करना होता है। ये कैंडल्स हमें डाउन ट्रेंड का सिग्नल देते हैं, इसलिए अगर ऐसा ये बेरिस पर बने तो अच्छा है, अगर ऐसा नहीं बनता है और ऐसा पॉजिटिव पर बनता है तो भी कोई बात नहीं, हम इस पर फिल्टर करेंगे और ट्रेड कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ये तो हो गया शूटिंग स्टार, चार तरीके के होते हैं, और ये हैंगिंग मैन भी चार तरीके के होते हैं, सेम शूटिंग स्टार की तरह ही। ये इसने शेडो बनाया ऊपर और इसने भी शेडो बनाया, और इन दोनों कैंडल्स ने नहीं बनाया। अब हम यहाँ पर दूसरा चार्ट देखते हैं, ये देखिए शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार के लिए बॉडी से इसका शेडो जो होता है, टेल जो होता है, वो मिनिमम डबल या डबल से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बॉडी से ये जो टेल है डबल से ज्यादा है।
ये मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था अप ट्रेंड पर। ऊपर जाने के बाद ये भी कैंडल ऊपर जा रहा था, यहां तक गया, फिर इसे रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद नीचे आया और अपने ओपनिंग प्राइस से थोड़ा नीचे आकर क्लोज हो गया। अब इसके बाद का कैंडल देखना है। अगर ये थोड़ा सा गैप करके ओपन होता है, इससे थोड़ा सा नीचे जंप करके ओपन होता है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है सेलिंग के लिए। अगर ये गैप पर ओपन नहीं होता है, यही ओपन होता है जहां पर शूटिंग स्टार क्लोज हुआ, तो भी कोई बात नहीं, इस पर हम और एनालिसिस करेंगे। अगर ये इससे थोड़ा ऊपर ओपन होता है तो भी कोई बात नहीं, अगर गैप मिलता है तो ये बहुत अच्छा है। गैप इसलिए मिलता है, ये शूटिंग स्टार बनते ही इंटरनेशनल मार्केट में बहुत से लोग, लाखों लोग इसका क्लोजिंग का इंतजार करते हैं और माउस को सेल बटन पर रखते हैं। जब ये क्लोजिंग होता है, क्लोज होते ही एक साथ लाखों लोग इस पर सेल कर देते हैं, इसलिए ये जम कर देता है। अगर जम करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा कैसे इसमें हम और फिल्टर करेंगे। और ये कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखना है इसका क्लोजिंग कहां पर होता है। अगर ये शूटिंग स्टार से पहले का कैंडल है जहां पर ओपन हुआ था, उससे नीचे क्लोज होता है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है सेलिंग के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद ये मार्केट बहुत लंबे समय तक डाउन ट्रेंड पर जाएगा, ये संकेत देता है हमें ये फिगर। और ये जो शूटिंग स्टार था उसी तरह ये कैंडल है, लेकिन ये उल्टा है, ये नीचे लटका था, ये ऊपर लटका हुआ है हैंगिंग मैन। और बाकी सब काम एक ही है, शूटिंग स्टार की तरह ही बाकी काम ये भी वही करता है। तो चलिए अब हम लाइव चार्ट पर जाते हैं। ये देखिए ये लाइव चार्ट है, मैं XM से ट्रेड करता हूँ, XM.com Real17। ये मेरा रियल अकाउंट है। अगर आप भी XM से ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को क्लिक करके इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे XM से ट्रेड करना इसलिए अच्छा लगता है कि ये बहुत कम स्प्रेड लेते हैं और ट्रेडिंग का कमीशन भी नहीं लेते हैं, इसलिए मेरे लिए ये वर्ल्ड में टॉप 1 पर आता है। आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, टॉप 10 फॉरेक्स ट्रेडिंग आप सर्च कर सकते हैं, आपको XM टॉप 3 के अंदर मिलेगा। इसलिए आपको मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ, आप भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप XM से ट्रेड कीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दिया हुआ है। अब इस पर हम शूटिंग स्टार देखते हैं, ये 1 घंटे का कैंडल है, ये देखिए मार्केट प्राइस लाइव है, चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं शूटिंग स्टार बना हुआ है, एग्जैक्ट शूटिंग स्टार है। ये इसका बॉडी हो गया, बॉडी से ये टेल 2 गुना से ज़्यादा है, और इसके बाद का कैंडल बेरिस था, और दूसरा कैंडल के नीचे यहाँ पर जाते ही हम ये बेरिस सिग्नल देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, ये हम शूटिंग स्टार तो मिल गया, ठीक है, शूटिंग स्टार मिलते ही हमें यहाँ पर सेल नहीं करना है। अब हम पहले देखेंगे, ये मैंने ये लगाया हुआ है मूविंग एवरेज 8 पीरियड का, आप 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिए। ठीक है, ये लगाने के बाद ये शूटिंग स्टार मिला हमें, शूटिंग स्टार मिलने के बाद दूसरा कैंडल बेरिस हुआ, और उसके बाद जो पहला कैंडल फुल बॉडी कैंडल ये 8 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है, उसके बाद हमें यहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस करना है। अब हम इस पे दूसरा भी देखेंगे, ये ओवरबोर्ड जोन है कि नहीं, ये मैंने स्टोकास्टिक लगाया हुआ है, इसका सेटिंग कैसे करते हैं मैं जब इस पर वीडियो बनाऊंगा तब देख लीजिएगा स्टोकास्टिक पर। ये देखिए स्टोकास्टिक ने ये फुल ओवरबोर्ड जोन दिया हुआ है, तो ये हमें एक तो शूटिंग स्टार मिल गया, दूसरा स्टोकास्टिक ने भी ओवरबोर्ड जोन दिया। इस पर हम फिबोनाची से भी रिट्रेसमेंट मेजरमेंट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से ये नीचे डाउन ट्रेंड उतरा था, उतरने के बाद ये देखिए 50% पर हमें इसने रेजिस्टेंस दिया। एक तो 50% होता है, 38.2 होता है और 61.8 होता है, इसने ठीक 50% पर हमें रेजिस्टेंस दिया, रेजिस्टेंस मिलने के बाद इसने यहाँ पर शूटिंग स्टार भी बनाया। ठीक है, ये 3 कन्फर्मेशन हमने ले लिया। अब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया कि नहीं। इसका नीचे का टेल होता है, वहां से हमें देखना है, ये शार्प अप ट्रेंड पर था,
इसलिए हम इसे शार्प ऑफ ट्रेंड पर हमने ट्रेंड लाइन बनाया, और ट्रेंड लाइन बनाने के बाद इसने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये मार्केट इससे ऊपर नहीं गया, यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिलने के बाद ये नीचे की ओर आया। एक तो हमारा इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, और दूसरा हमें इसने यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन दिया, तीसरा ये 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ फुल बॉडी कैंडल, और चौथा हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट रखा था। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने इसे 50% पर रेजिस्टेंस दिया। ठीक है, ये हमें चार कन्फर्मेशन मिल गए। चार कन्फर्मेशन मिलने के बाद हम यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर सेल ऑर्डर रखेंगे। सेल ऑर्डर यहाँ पर रखना है हमें, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जैसे ही फुल बॉडी ये 8 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, मैं इसे सिग्नल लाइन कहता हूँ, सिग्नल लाइन के नीचे क्लोज हुआ। नीचे क्लोज होने के बाद आपको ये ओपनिंग जहाँ पर होता है यहाँ पर हमें सेल ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, सेल ऑर्डर प्लेस करने के बाद स्टॉप लॉस रखना मत भूलिएगा, नहीं तो आप जितना भी इसमें अर्निंग कर लीजिए, कंटिन्यू आप 1 महीने तक अर्निंग किए, बहुत अर्निंग कर लिया, उसके बाद आपने एक सेल ऑर्डर रखा और स्टॉप लॉस नहीं रखा, तो कभी कभी ये बहुत ट्रेंड ब्रेक करके बहुत ऊपर चला जाता है, और हमने जो 1 महीने तक अर्निंग किया वो सारा लॉस हो जाता है। इसलिए हमें ये स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है। जो ट्रेडर्स इसमें स्टॉप लॉस रखते हैं वही इसमें अर्निंग कर पाते हैं। ये हमें ये जो शूटिंग स्टार का टेल है इसके टॉप से कुछ 5-7 पीप ऊपर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। ये हमारा सेल यहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर। अब हमें प्रॉफिट तो लेना है, प्रॉफिट कहाँ का लेना है? आपका स्टॉप लॉस जितना है उससे डबल, 139। ये देखिए यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस डबल होता है, तो हम यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, आपको ये मार्केट यहाँ से उतरते उतरते नीचे आया था, नीचे आने के बाद इसने ऊपर भेज दिया, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल होता है, ये हमारा सपोर्ट लेवल होता है। ये सपोर्ट लेवल पर आने के ठीक पहले आपको यहाँ पर केयर करना है, ये ब्रेक करता है कि नहीं। इसने ये ब्रेक कर लिया है, ये और भी नीचे जाएगा। ठीक है, ये और नीचे जाएगा। हमें डबल प्रॉफिट यहाँ दे दिया था, लेकिन इसने इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक किया, तो ये और नीचे जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आपको एग्जिट कैसे होना है, आपको वही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ऐसा हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और दूसरा ये मूविंग एवरेज है 8 पीरियड का, इससे ऊपर एक फुल बॉडी क्लोज जब तक नहीं होता तब तक आप इसे वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए आप निकलना चाहें तो यहाँ निकल सकते हैं, क्योंकि ये ओवरबोट जोन पर पहुंच गया। ठीक है, अब ये दूसरा कैंडल बुलिश होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा कैंडल कन्फर्म बुलिश होगा, क्योंकि ये ओवरबोट जोन पर पहुंच गया है। तो इस तरह हमें यहाँ पर सेल करके अपना पोजीशन होल्ड करना है। डबल प्रॉफिट आपको मिल गया है, आप निकल सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेंड लाइन का इंतजार कर सकते हैं ये कब तक ब्रेक नहीं करता है। और दूसरा ये मूविंग एवरेज 8 पीरियड का मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं, जब तक इसके ऊपर फुल बॉडी क्लोज नहीं होता है तब तक आप वेट कर सकते हैं। लेकिन सिग्नल हमें यहाँ एग्जिट करने का इसने दे दिया है स्टोकास्टिक ने। ठीक है, प्रॉफिट बुक हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपको, मैंने एक दिखाया 1 घंटे का कैंडल से हम कैसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं शूटिंग स्टार। इसमें और भी हम सिग्नल ले सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए ये भी शूटिंग स्टार बना हुआ है, यहाँ नीचे यहाँ पर फुल बॉडी क्लोज हुआ, यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ये देखिए ये यहाँ से मार्केट यहाँ तक उतरा था। ठीक है, ये हो गया, और इस पर हमें फिल्टर भी करना है। आपको सिग्नल बहुत मिलेंगे, सारे सिग्नल देखते ही हमें सेल नहीं करना है, जैसे मैंने आपको इसका बताया। इससे पहले भी हमें हैंगिंग मैन मिला था, लेकिन हैंगिंग मैन के नीचे
दूसरा बॉडी क्लोज नहीं हुआ, तो ये हैंगिंग मैन क्या हुआ, ये वैलिड नहीं हुआ। ऐसा बहुत मिलता है, देखिए आपको बीच बीच में ऐसा बहुत मिलेंगे। यहाँ पर भी हैंगिंग मैन मिला हुआ है, लेकिन ये ट्रेन ही नहीं है, ठीक है, ये आपको होरिजेंटल है। ऐसे में बहुत मिलेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन इसका वैल्यू नहीं होता है। आपको ऑफ ट्रेन पर कुछ कैंडल, 5 7 8 10 कैंडल ऊपर मार्केट कुछ देर ट्रैवल करने के बाद मिलता है, और उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल नीचे क्लोज होता है, तो इसके सिग्नल लाइन के नीचे आपको सेल ऑर्डर रखना है। ये कैंडल सिर्फ 65% काम करता है, अगर हम फिल्टर नहीं करते हैं तो। जब फिल्टर करते हैं तो 90% काम करता है। इधर हम ये देख सकते हैं, ये शूटिंग स्टार बहुत अच्छा बना हुआ है, इसने 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल ऊपर जाने के बाद ये शूटिंग स्टार बना, और उसके बाद इसने ट्रेन लाइन ब्रेक किया। ट्रेन लाइन ब्रेक करने के बाद आप फुल बॉडी क्लोज यहाँ नीचे हुआ, इससे थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसने बेरिश सिग्नल दिया हुआ है, ये डाउन ट्रेंड पर था मार्केट, और इसने यहाँ पर स्टोकास्टिक ने भी ओवरसोल्ड जोन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी सेल रख सकते हैं ये कैंडल पर। तो आपको ये 1 घंटे पर नहीं, 4 घंटे पर भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ग्रेविस्टोन डोजी की तरह है, लेकिन ये शूटिंग स्टार ही है। ये थोड़ा सा बॉडी छोटा है, लेकिन सेम एग्जैक्ट सेम है। तो इस पर भी हम यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ट्रेन लाइन इसने यहाँ पर ब्रेक किया, और फुल बॉडी कैंडल ये सिग्नल लाइन के नीचे यहाँ पर क्लोज हुआ है। देखिए यहाँ से बेरिश कैंडल कोई भी क्लोज नहीं हुआ इससे पहले, फुल बॉडी, और इसने ट्रेन लाइन भी ब्रेक किया। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमें सेल करने के लिए। तो हम यहाँ पर ये अपना कैंडल जब शुरू होता है यहाँ पर सेल करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का रखेंगे, और ये हम डबल टारगेट देखेंगे। ये देखिए 746, देखिए यहाँ का ये हमारा डबल टारगेट यहाँ का होगा, टारगेट हमारा यहाँ का होगा। आप यहाँ एग्जिट हो सकते हैं, यहाँ पर इसने ये भी दिया था हमें स्टोकास्टिक ने, देखिए यहाँ पर ओवरबोर्ड जोन भी दिया था, तो हम यहाँ एग्जिट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ एग्जिट होना नहीं चाहते हैं, तो एक फुल बॉडी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ सिग्नल लाइन के ऊपर, यहाँ पर आप निकल सकते हैं। आपने ट्रेन लाइन भी ड्रॉ करके देखना है, ये देखिए ट्रेन लाइन भी इसने ब्रेक किया हुआ है, इसने ट्रेन लाइन भी ब्रेक कर दिया। तो इस तरह हम 4 घंटे में किसी भी टाइम फ्रेम पर ये काम करता है, लेकिन इसे हमें और भी एनालिसिस करना होता है, ठीक है। इस तरह हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल भी देखना होता है, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लेना होता है। ये देखिए टॉप यहाँ पर है, यहाँ पर बॉटम है, ये देखिए इसने 61.8 पर रेजिस्टेंस मिला, ये ऊपर जा रहा था, लेकिन इससे नीचे धकेल के इसके नीचे क्लोज हुआ ये मार्केट। ये भी इससे ऊपर नहीं गया, ये भी ऊपर नहीं गया, बॉडी कोई भी ऊपर नहीं गया, सिर्फ टेल गया है। तो ये हमें 61.8 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। फिबोनाची में सबसे स्ट्रांग रेजिस्टेंस 61.8 होता है। तो ये फुल कन्फर्मेशन मिल गया था हमें सेल करने का। तो यहाँ पर हम इस तरह से सेल कर सकते हैं। 4 घंटे में हम और भी देख सकते हैं, 15 मिनट में भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ये इतना अच्छा तो नहीं है। ये देखिए यहाँ पर बना था, यहाँ पर बनने के बाद इसने यहाँ तक मार्केट ले गया, फिर यहाँ बना, यहाँ बनने के बाद यहाँ तक मार्केट ले गया, यहाँ भी बना हुआ है, इसने यहाँ तक ले गया मार्केट को नीचे। तो इसी तरह हम, ये देखिए यहाँ पर है शूटिंग स्टार, बहुत अच्छा शूटिंग स्टार है ये। हम जिस तरह पहले मैंने आपको चार्ट में दिखाया था, इसका बॉडी है, बॉडी से डबल से ज़्यादा इसका टेल है, इसके नीचे भी ये थोड़ा शेडो आया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा शूटिंग स्टार है। इस पर हम यहाँ से ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे,
और इस ट्रेन लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया इसने। यहाँ पर हमें इस जगह पर देखिए ओवरसोल्ड जोन भी दिया हुआ है स्टोकास्टिक ने, और ये ट्रेन लाइन के नीचे इसने ब्रेक किया, और ये हमारा सिग्नल लाइन के नीचे एक फुल बॉडी कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ। तो हम यहाँ पर ये सेल बैठ सकते हैं, 15 मिनट का कैंडल है ये कैंडल, जहाँ पर ओपन हुआ यहाँ पर हम सेल प्लेस कर सकते हैं अपना ऑर्डर, और स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ का होगा और हमारा टारगेट डबल का होगा, ये 239 240 मान लीजिए। चलिए यहाँ के आसपास यहाँ का हमारा टारगेट होगा, ये देखिए ये यहाँ का टारगेट हुआ। आप टारगेट में नहीं निकलना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप ये देख लीजिए सिग्नल लाइन जो हमने 8 पीरियड का मूविंग एवरेज रखा था, इससे ऊपर फुल बॉडी अभी तक यहाँ तक कोई भी क्लोज नहीं हुआ, बस यहाँ जाकर फुल बॉडी क्लोज हुआ। तो हम यहाँ निकल सकते हैं, यहाँ निकलते तो हम हमारा जो टारगेट था उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर मिलता। और आप ट्रेन लाइन भी ड्रॉ कीजिए, देखिए ट्रेन लाइन हमेशा परफेक्ट होने के लिए 3 टॉचेस चाहिए, एक टॉच यहाँ हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, और यहाँ इसने ब्रेक किया, ये परफेक्ट ट्रेन लाइन ब्रेक किया। और उसके बाद आपको स्टोकास्टिक ने भी ओवरबोर्ड जोन दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम निकल सकते हैं। इस तरह से हमें ये शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन पे ट्रेड करना है। आप कैंडल देखते ही ट्रेड मत कीजिए, वेट कीजिए, जब आपको 4-5 कन्फर्मेशन मिल जाते हैं तो आप ट्रेड करते हैं। जो मैंने आपको दिखाया ये तरीका, इस तरीके से करते हैं तो आप 90% ये प्रॉफिट पे जाएगा आपका। और अगर आप ये एक्सचेंज से ट्रेड करते हैं, मेरा रेफरल लिंक से ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको इस पर सिग्नल भी दूंगा बाई सेल का। ये मैं बहुत से करेंसी पेयर ओपन करके रखा हुआ हूँ, जिस पर भी सिग्नल मिलता है मैं ट्रेड करता हूँ, जब मैं अपना ट्रेड प्लेस करता हूँ उस वक्त आपके ईमेल पर मैं सिग्नल भी भेज दूंगा, अगर आप मेरा रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो। आप एक्सएम में ज्वाइन करने के लिए आप मिनिमम $100 नहीं है तो $50 से भी कर सकते हैं, आप माइक्रो अकाउंट ओपन करके कर सकते हैं। तो आप मेरा रेफरल लिंक से अकाउंट बना लीजिए, फिर आपका डिटेल मेरे को आ जाएगा, फिर मैं आपको गाइड करूंगा। अब मैं इसके बाद दूसरा वीडियो बुलिश एंगलफिन और बेरिश एंगलफिन पर बनाऊंगा। इंटरनेशनली मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग, 90% लोग ट्रेड करते हैं वो ये बेरिश स्पिन बार और बुलिश स्पिन बार पर। देखिए ये यहाँ पर भी बना था लेकिन इसके नीचे का, इसके बाद का कैंडल बेरिश नहीं हुआ और इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो ये हमें इग्नोर करना है। और उसके बाद दूसरा बहुत ज़्यादा ट्रेड करने का कैंडल है वो बुलिश एंगलफिन और बेरिश एंगलफिन, जैसे ये बेरिश एंगलफिन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इस कैंडल के बारे में मैं दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा, तब तक आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आज बताया, इस कैंडल पर प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हम्मर और इन्वर्टेड हम्मर के बारे में, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो वो देख लीजिए, इन पर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद मैं दूसरा एंगलफिन के बारे में कैसे ट्रेड करते हैं ये बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।